पंचायत में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के अंदर बोक्सा जनजाति के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं और बोक्सा जनजाति के एक प्रमुख स्तंभ श्री दर्शन लाल जी से। दर्शन जी, ये बताइए कि बोक्सा जनजाति का जो उत्तराखंड के अंदर स्थिति है वो क्या है और कितनी आबादी बोक्सा की होगी इस वक्त? धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया है, मैं इसका अपने ज्ञान के अनुसार जो है इसका करता हूँ। उत्तराखंड में हम लोग 5 जिलों में रहते हैं, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून। और इन्हीं जिलों के जो 9 विकास खंड हैं उसमें गदरपुर, बादपुर, काशीपुर, रामनगर, बहादराबाद और दुगड्ढा, डोईवाला, सहजपुर और विकासनगर, इन 9 विकास खंडों में रहते हैं। और हमारी जो जनसंख्या है, हमारी जनसंख्या लगभग 65,000 के आसपास पूरे उत्तराखंड में, और 260 गांव में हम लोग रहते हैं। छोटे मोटे जो 260 गांव हैं, 260 गांव में हम रहते हैं। तो जमीन की स्थिति क्या है आपके लोगों के पास में? कितने भूमिहीन होंगे, कैसे, क्या स्थिति है पूरी संसाधनों की? राज्य में इस समुदाय की जो भूमि की स्थिति है, कालांतर में हम लोगों के पास प्रत्येक परिवार के पास 50 बीघा से और 150-200 बीघा तक पहले था। लेकिन जब से हमें जनजाति घोषित किया 1967 में, और उसके बाद हमको 1981 में प्रिमिटिव ट्राइबल का दर्जा दिया भारत सरकार, पीजीटी, तो हमारी भूमि पे बिक्री पे बैंड लगा दिया गया। और हमको सरकार ने किसी रोज़गार से नहीं जोड़ा, ना तो हमारे बच्चों को सर्विस में लगाया, ना कोई सी रोज़गार से जोड़ा, ना वही जो हमारे पास जो भूमि थी उसी से हम अपना गुजारा करते रहे, किंतु आय का हमारे पास कोई साधन नहीं था। तो हमें लड़की की शादी भी करनी है, लड़के की भी शादी करनी, अपने जो धार्मिक कार्यक्रम होते वो भी करने होते थे, तो पैसा हमारे पास था नहीं। मान लिया हमने एक लड़की हमारे पास है, एक लड़की की शादी करने में हमें 10,000 रुपये खर्च करना, तो 500 रुपये बीघा, तो 20 बीघा ज़मीन हमारी उसमें निकल गई। अच्छा। और दूसरी लड़की की शादी करी तो 20 बीघा ज़मीन उसमें चली गई, फिर लड़के की शादी हुई तो 10-20 बीघा ज़मीन उसमें चली, क्योंकि कोई साधन नहीं था, कोई कुछ नहीं। अब ये सामाजिक कार्य, कथा भागवत करनी तो भी हमें कर्जा लेना पड़ा, तो कुछ ज़मीन उसमें चली गई। तो इस प्रकार हमारा जो मतलब भूमि का जो वो हुआ है, तो इसका विशेष कारण ये है। दूसरे, हमको ब्याह शादी के लिए जो हमने दूसरों से कर्जा लिया है, तो उसमें फिर हमें भूमि देनी पड़ी। तो उसने कहा कि भाई हमें 10,000 रुपये चाहिए, कि भाई अगर आप 20 बीघा ज़मीन दो तो मैं 10,000 रुपये देता हूँ, भले चाहे हमारी ज़मीन की कीमत लाखों रुपए या करोड़ों रुपए थी, तो वो हमारी 20,000 में ही 10 बीघा ज़मीन चली गई। तो ये पूरे प्रदेश में हमारा एक जैसा मतलब वो है, उधम सिंह नगर लो या नैनीताल लो, देहरादून लो, सब जगह हमारी ऐसी स्थिति। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, क्योंकि शिक्षित समाज ही अपने को आगे बढ़ा सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्रों में गदरपुर में एक हाई स्कूल की स्थापना की आवासीय विद्यालय के लिए, एक गुलर भोज में किया है, तो वो लड़कियों का हाई स्कूल तक, गुरुद्वार में भी एक शायद है और नहीं है, और सिर्फ 2 विद्यालय हैं, एक गदरपुर में, एक गुलरभोज में, बाजपुर में, उस और दोनों जगह एक नहीं, बाजपुर में एक ITI भी है जो हमारे बच्चों को मतलब थोड़ा सा वो करती है। 2 विद्यालयों का स्थापना हरिद्वार में की है, कक्षा 6 से 8 तक बालकों का, 1 से 5 तक बालिकाओं का। तो आज हर मोहल्ले में, हर उसमें, हर गांव में 2-2, 3-3 प्राइमरी स्कूल हैं, तो वो जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय, आवासीय विद्यालय, उनका कोई औचित्य नहीं रह गया है। तो हमने सरकार से
कई सालों से मैं उनके उच्चीकरण के हरिद्वार के जो दो विद्यालय हैं उनके लिए भी उच्चीकरण के लिए मैं लिखता रहा हूँ, और जो दो विद्यालय उधम सिंह नगर में हैं उनके लिए भी उच्चीकरण के लिए, क्योंकि मेरे जो तो जब मैं प्रदेश का नेतृत्व करता हूँ तो सब समाज एक जैसा बिल्कुल, और मुझे सबके उसके वो करना चाहिए। तो शिक्षा की और दुगड्ढा भादरा दुगड्ढा और आपका रामनगर आपका डोईवाला सहजपुर और विकास नगर, इन विकास खंडों में हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई है। तो जो दूसरे स्कूल है उन्होंने जाते बच्चे नहीं उसमें जाते हैं लेकिन जैसे यहाँ मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय, तो यदि उस वक्त हमारे लिए भी ऐसा करते तो आज हमारे भी बच्चे भी हो सकता है कोई आई सी निकलता किसी एस निकलता। अभी बोक्सा समाज के लोग मैं बहुत साल पहले देखा था, एक निकालते हैं कि हमारा अधिकारी कौन है क्या है, कुछ बता सकते हैं कितने अधिकारी होंगे आपके समाज से? हमारे समाज में कोई अधिकारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, एक दो मतलब कुछ टीचर वगैरह तो है, टीचर हैं वैसे हैं हमारे लगभग पूरे उत्तराखंड में 200 के करीब हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उसमें केवल मतलब आप ये थर्ड सी जिसको कहेंगे थर्ड सी तक मतलब क्लर्क की कलर की पुस्तक है, बाकी अधिकारी वगैरह उसमें कोई नहीं है, कोई नहीं है पूरे उत्तराखंड में। नायब एक नायब तहसीलदार वो अभी अभी हुए मतलब दो साल हुए एक नायब तहसीलदार। अच्छा जी, तो ये पूरा जो आपने कहा कि शिक्षा की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया, ये आप कह रहे हैं कि जो ज़मीन का जो सेल की आपको आज़ादी नहीं थी 1967 के बाद, क्योंकि आदिवासी ज़मीन गैर आदिवासी को तो नहीं सेल हो सकती जी, है जी, तो ये कानून आपको क्या गलत लगता है कि जो आदिवासी ज़मीन गैर आदिवासी को नहीं बिकनी चाहिए? नहीं, कानून तो ठीक है लेकिन उसका इम्प्लीमेंट सही रूप से नहीं किया गया। भूमि के जो दलाल लोग हैं उन्होंने प्रशासन से मिल करके, भूमाफियाओं ने प्रशासन से मिल करके हमको कह दिया कि भाई आपकी भूमि बिकती नहीं। अच्छा, और प्रशासन से मिल गए हैं तो हमको जो 1,00,000 रुपए की हमारी भूमि थी वो 5,000 में खरीद लिया कि भाई कैसे खरीद लीजिए बिकती नहीं, तो नहीं बिकती नहीं भाई, तुम्हें अगर 5,000 चाहिए हम तो 5,000 देंगे, मुझे तो पैसे की ज़रूरत है ना, मुझे तो ज़रूरत है ना, मुझे तो आपने पैसे ले लिए 5,000 रुपये। 5,000 रुपये कागज़ पे कैसे दिखाया गया बिकेगी नहीं? तो कागज़ पे उन्होंने ऐसा किया कि वो ज़मीन हमारी जो है वो ज़मीन जैसे जौनसार है, जौनसार के व्यक्ति के नाम कर दी क्योंकि जौनसार भी आदिवासी है और हम भी आदिवासी हैं, तो जौनसार के चाहे वो बीच में जो बिचौलिया भी होगा लेकिन कोई भी आदिवासी है वो सब आदिवासी हैं, तो उनके उन्होंने खुद भी ऐसा किया है कि भाई आपकी ज़मीन तो कहीं बिकती नहीं, लेना हो तो 5,000 रुपये आप ले लो, नहीं तो हम तो देंगे नहीं, पैसा हमें चाहिए, लड़की की शादी करनी है तो 10-20 बीघा ज़मीन देनी पड़ेगी तो इतना हम देंगे, बाकी हम कुछ नहीं दे सकते, पैसा लेना है तो ज़मीन तो देनी पड़ेगी। तो जब हमने वो ज़मीन उनके नाम रजिस्ट्री करा दी तो उसके बाद वही ज़मीन जो हमसे 5,000 में ले वही करोड़ों में बिक गई। नहीं बट ये प्रोसेस मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब ज़मीन की रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती गैर आदिवासी के नाम पे, नहीं तो जौनसार वाले के नाम पे हो सकती है? हाँ, उन्हीं के नाम हो सकती है ना, उन्हीं के नाम। तो जो यहाँ पर जो शहीद उधम सिंह नगर में जो गदरपुर है, बाजपुर है, जहाँ बोक्सा लोग बहुत रहते हैं, अच्छा, उनकी ज़मीनें कैसे चली गई सरदार लोगों के पास? उनके इनका भी एक कारण है, इनका कारण ये है कि इनकी ज़मीनों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। अच्छा, इनकी ज़मीनों की रजिस्ट्री नहीं हुई है, इनका 5 रुपये स्टाम्प पे या 10 रुपये के स्टाम्प पे मतलब उनसे लिखवा लिया गया कि इतना रुपये हमने ले लिया। अच्छा, और इतनी ज़मीन हमने आपको दे दी है अपनी मर्जी से मतलब वो स्टाम्प पेपर पे चल रहे हैं, स्टाम्प पेपर पे इनका जो है उधम सिंह नगर का पूरा स्टाम्प पेपर पे इनकी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है। अच्छा, तो इसी कारण से वो चकबंदी वगैरह की बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैं तो कई बार इनके यहाँ मतलब इस बात पे मैं कई बार गया हूँ, मीटिंगें की इन लोगों के साथ में कि भैया कैसे हो सकता है, बताइए मुझे, बताइए मैं कुछ आपके अगर कुछ कर सकता हूँ इसमें तो मुझे बताइए आप। तो इनके साथ में ये तो आए लेकिन इनके साथ में वो जो भूमाफिया हैं
वो पहले आ गए हमारे पास कि नहीं साहब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, पैसा तो मतलब हमने तो इनको पैसा दे रखा है, हमने तो ये कर रखा है, हमने तो ये कर रखा है, इनको आप ऐसा नहीं कर सकते। अब वो तो बाहुबली है, अब हमें तो देहरादून से आ करके इनकी बात वो करना था, तो हम भी इनके उसमें मतलब सक्सेस नहीं हो पाए। जौनसार का जो इलाका है जहाँ जिसके पास आप रह रहे हैं, सहसपुर का इलाका, जी, जी जी जी, तो जौनसार में जो पूरे इलाके को जो है वो पिछड़ा मतलब आदिवासी घोषित किया हुआ है, जी, तो ये पूरे इलाके को आदिवासी घोषित करने के पीछे कोई साजिश थी, क्योंकि वहाँ तो ब्राह्मण ठाकुर भी आदिवासी बन गया चूँकि, और उसी को फ़ायदा मिल रहा। हाँ, चूँकि वहाँ पे गुलाब सिंह जी जो थे वहाँ के MLA थे जी, और वो राज्य पर्वतीय विकास मंत्री भी रहे हैं बहुत सालों तक। तो उन्होंने जब 1967 में भारत सरकार का ये हुआ कि कुछ जातियों को जन अनुसूचित जनजाति में लाया जाना है, तो क्योंकि वो तो वहाँ थे ही, राज्य मंत्री थे वहाँ, तो उन्होंने देखा कि क्यों नहीं मैं अपने क्षेत्र, क्योंकि विशेष क्षेत्र है जौनसार बावर है, तो क्यों ना मैं अपने क्षेत्र को क्षेत्र ही पूरा पूरा अनुसूचित जनजाति को तो ये उन्होंने कराया है। और उस क्षेत्र में बल्कि मैं एक बार गया था वहाँ पर, कई बार जाता हूँ, और कुछ लोगों ने मेरे को शिकायत की कि वहाँ पर SC ST एक्ट लगता नहीं है, मतलब जो अनुसूचित जनजाति जाति अधिनियम है ना, इसमें हिंसा है, अब ब्राह्मण ने मारा बादी किसी दलित को, हाँ, या ठाकुरों ने मारा, जी जी जी, तो उस पर कोई अनुसूचित जाति लगता नहीं, क्योंकि सारे के सारे अनुसूचित जाति हैं, वो सारे, तो इसके खिलाफ में कभी आप लोगों ने बोला नहीं कि ये गलत धारणा है वहाँ, ये कानूनी गलत, हम मतलब तो, वो मतलब पूरा जो उसमें नोटिफिकेशन, हाँ, उसमें ऐसा है कि वहाँ का जो ठाकुर और ब्राह्मण है वो अनुसूचित जनजाति में आते हैं, ठाकुर और ब्राह्मण दोनों आ जाते हैं दोनों, और वहाँ का जो कोल्टा बाजगी और जो ये है अनुसूचित जाति के, तो वहाँ कोल्टा जनजाति क्षेत्र की वजह से ये कोल्टा बाजगी जो हैं ये जनजाति का भी सर्टिफिकेट मनाते हैं और SC का भी सर्टिफिकेट मनाते हैं, ये दोनों का लाभ ले रहे हैं, SC का भी और ST का। ब्राह्मण ठाकुर को क्या मिलता है? उनको ST का लाभ मिलता है। अच्छा, उनको ST का लाभ मिलता है। उनको ST का लाभ मिलता है। अच्छा, तो वो पूरा ही उसमें दो ब्लॉक आते हैं, चक्रौता और कालसी ब्लॉक। बिल्कुल। अच्छा, उनका जो वो सब एक दूसरे के खिलाफ एक नहीं बोलता वहाँ। अगर पहाड़ों में देखें तो उस तरह का घृणित जातिवाद नहीं है जितना जौनसार के अंदर। जौनसार में है। जौनसार में आज भी दलितों को मंदिर पे नहीं आने देते। जी, 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 जी। जौनसार के अंदर आज भी जो है वो इतना उसका संघर्ष हुआ, संघर्ष चल रहा है, तो पहाड़ों में इतना नहीं है, वहाँ इतना क्यों है? उसको पूरा घोषित करके गुलाब सिंह जी की कृपा से ऐसा हो गया क्या? हाँ, ये उन्हीं की देन है, ये उन्हीं की देन है, उन्होंने अपने आदमियों को बढ़ाया, मतलब ठाकुर और ब्राह्मणों को ही उन्होंने आगे। गुलाब सिंह ठाकुर थे क्या? जी जी, आदिवासी नहीं थे? नहीं, तो उन्होंने ठाकुर थे ना, ठाकुर थे, तो फिर जब उन्हीं ने क्षेत्र को घोषित कराया था, उन्होंने घोषित उन्हीं ने घोषित कराया था उसको अपने लोगों को फायदा करने के लिए। ये बताइए हमको कि जो जनजाति के पूरे लोग हैं, जैसे उत्तराखंड के अंदर है बोक्सा है, थारू हैं, वनराजी हैं और वन गुजर हैं, जनजाति के लोगों का जो अपने पुरानी परंपराओं के साथ में बड़ा वास्ता रहा है, जी जी, खूब पूजा पाठ में, खूब अंधविश्वास भी लगा लीजिए, खूब जमके है, जी जी, तो इससे बदलने के लिए कुछ आप लोग करते हैं या उसको आगे बढ़ते रहना है? वैसे हमारे जो पूर्वज थे जी, वो अध्यात्म की तरफ काफ़ी वो थे, पूजा पद्धति की तरफ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और उनको प्रत्यक्ष लाभ भी मिलता था, उसका प्रत्यक्ष लाभ मिलता था। कई बार ऐसा होता था कि आदमी बीमार हो गया, किसी चीज़ से आराम नहीं हो रहा उसको, तो वो अपना पूजा पद्धति करके मतलब उसको ठीक कर देते। कई बार ऐसा भी हुआ कि मरे हुए आदमी को भी हमारे लोगों ने जिंदा कर दिया, और उसे 10 मिनट बात करी, उसके बाद फिर वो गुजर गया। अच्छा, तो मतलब ऐसी वो थी हमारे लोगों में एक अध्यात्म शक्ति का, ये या पूजा पद्धति की क्या था, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे तक तो थोड़ा सा है, हमारे तक, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सब छोड़ दिया है, अब उतना नहीं रह गया, बहुत कम है। तो जो दूसरे लोग हैं, जैसे आप लोग लाल ढांग में भी हैं, आप लोग गदरपुर है, दोनों जगह पे जो है और जातियां हुई होंगी, सवर्ण लोग भी रहते हैं, तो सवर्णों के साथ में आपके रिश्ते कैसे हैं, हिंदुओं के साथ में? हमारे
संबंध सबसे अच्छे हैं, मतलब कोई छुआछूत वगैरह होती है क्या? ना ना, कोई छुआछूत नहीं। खाना वाना सब खा लेते हैं? खाना वाना सब चलता, सब में बातचीत वगैरह, बातचीत होती है, घर घर आते हैं, आना जाना, शादी ब्याह में सब जैसा। अच्छा अच्छा, वो सब मतलब कोई अलग थलग नहीं? अलग थलग कुछ नहीं है, अलग थलग कुछ नहीं है। अच्छा जी, शादियाँ भी हुई आपस में? हाँ, मतलब हमारी शादियाँ तो मतलब कभी कभार जो अपनी मर्जी से कभी करते तो कभी, हाँ बस प्रेम विवाह जो प्रेम विवाह मतलब हुए हैं। जी जी, वो हुए हैं। मारने काटने का तो नहीं आया? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। पंचायत उनचायत कर दी? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वैसे आपके यहाँ पे शादियाँ आप लोग खुद कराते हैं या बच्चे लोग अपना फैसला कर लेते हैं आजकल? नहीं, देखिए हमारे समाज में तो ये था कि माँ बाप ने जहाँ शादी तय कर दी वही है, वही है। अब तो मतलब शादियाँ जो है आपके यहाँ जी, जो बच्चे लोग कर रहे हैं, मतलब इंटरकास्ट मैरिजेज हैं, मतलब इंटरकास्ट में मतलब हिंदुओं के साथ पे शादियाँ हैं? हाँ, हिंदुओं के साथ में, हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के साथ। तो उसमें आपको कोई मतलब वो नहीं? ना ना, ऐसा कुछ नहीं, हिंदुओं के साथ। आप क्योंकि बोक्सा जनजाति के बारे में जो है, पहले कुछ जनजातियों के बारे में जो सवर्णों में खास करके बड़ी एक अजीबोगरीब किस्म की धारणाएं होती थी। जी जी जी, खास करके बोक्साओं के बारे में बड़ी धारणा होती है, वो बाघ बन जाते हैं, शेर बन जाते हैं, ऐसा कुछ पता, आपने सुना कुछ ऐसा? आप लोगों को पता है कि आपके बारे में लोग क्या बोलते थे? मतलब हमको ये कहते थे कि वो रात के टाइम पे बाघ बन जाते हैं, ऐसा कुछ। ये जो हमारे एक विद्या थी जिसको मैं अभी जिक्र कर रहा था, उसको कहते हैं बुक्साड़ी विद्या, बुक्साड़ी विद्या, बुक्साड़ी विद्या, बुक्साड़ी विद्या। तो जिसके पास वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा होती थी, मतलब वो हकीकत है, हकीकत है, वो हकीकत है, मतलब झूठ नहीं बोलते, वो झूठ नहीं है, मतलब वो क्योंकि बचपन में हमने कहानी सुनी। जी जी, बुक्साड़ी विद्या थी वो। मैं जो दुगड्डा का जिक्र कर, मैं वहाँ के रहने वाला हूँ। जी जी, इसलिए कहानियाँ की बात। ठीक ठीक, तो ये वास्तविकता थी, वास्तविकता, वास्तविकता थी। क्या विद्या थी, मतलब क्या था? मतलब अब विद्या, अब बुक्साड़ी क्या चीज़ होता था, मतलब क्या चीज़ होती थी? कुछ मतलब वो कुछ जैसे देवी देवताओं का सेवा करते हैं, या किसी अन्य चीज़ की, जैसे काली माता होगी और कई चीज़ें होती हैं, तो उनकी सेवा करते, उन्हीं के प्रताप से वो मतलब चेहरे को बदल लेते थे। चेहरे को बदल, शेर का, बाघ का, किसी का भी, किसी का भी बदल। अच्छा जी, तो ये मतलब आपने देखा अपने सामने? नहीं देखा नहीं, लेकिन हमारे हमारे पूर्वजों का, पूर्वजों ने बताया कि, बताया था कि जिसके पास ये बुक्साड़ी विद्या थी, वो अपने कोड, मतलब कोड कहते हैं ना इसको, शरीर को, तो इसको भी बदल सकता था और फिर उसी उसमें हम आ जाता। तो अभी जैसे आपके भी तो कई गुरु होंगे, कई वो होंगे, तो वो जो ऐसे हैं जो बुक्साड़ी विद्या भी है? नहीं, अब तो वो सब खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी, खत्म हो चुकी है। कोई जो पुराना आपके ग्रंथ होंगे, कोई साहित्य होगा कुछ जिसमें नहीं ऐसा, मतलब क्योंकि ये चीज़ें लिपिबद्ध नहीं हुई हैं। अच्छा, लिपिबद्ध नहीं, ये लिपिबद्ध नहीं, नहीं, नहीं तो गाने भी होते हैं, कई चीज़ें होती हैं गाने, हाँ गाने वो भी लिपिबद्ध नहीं थे। अच्छा, जो उस चीज़ के गाने थे वो भी लिपिबद्ध नहीं, वो तो आदमी खुद ही मतलब उसको। तो बुक्सा लोग जो है किस देवता की पूजा ज़्यादा करते हैं? क्योंकि इसमें कई देवता हैं, जहाँ जैसा किसी, कोई काली को मानता है, कोई बाला सुंदरी को मानता है, कोई शेरों वाली को मानता है, कोई मतलब इस प्रकार से ज़्यादातर देवी को ही मानता है, देवी को मानते हैं। अच्छा अच्छा, ज़्यादातर देवी को मानते हैं, देवी को मानते हैं ज़्यादा, मतलब शिव वगैरह भगवान को नहीं मानते? हाँ नहीं, वैसे मानते हैं, शिव को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, लेकिन जैसे उनके देवी का मेन, देवी का मेन है। अच्छा, क्योंकि पार्वती का रूप है, पार्वती का रूप मान कर वो देवी को ज़्यादा मानते हैं। कई स्थानों पर भारतवर्ष के अंदर आंदोलन चलते हैं, वो बोलते हैं कि आदिवासी लोग हिंदू नहीं हैं, आदिवासी एक अलग संस्कृति है, आप लोग क्या मान के चलते हैं? हम तो अपने को हिंदू मानते हैं, और लोग क्या मानते हैं ये उससे हमें। अच्छा, मतलब आप लोग अपने को हिंदू मानते हैं? अपने को हिंदू मानते हैं, और हम हिंदू हैं, और ठाकुर हैं हम, ब्राह्मण नहीं, ठाकुर हैं हम लोग। अच्छा, तो आप लोग अपने को ठाकुर मानते हैं? ठाकुर मानते हैं। अच्छा, हमारे उसमें 1967 से पहले की जितनी भी हमारी खतौनियाँ हैं उसमें मेहरा राजपूत लिखा है। अच्छा, राजपूत लिखा है, राजपूत लिखा है। अच्छा अच्छा, तो पर सारे लोग तो नहीं मानते ना, जैसे थारू लोग, तो शायद थारू लोग भी राजपूत मानते हैं क्या? क्षत्रिय मानते हैं थारू भी, राणा राणा थारू वगैरह, हाँ वो भी क्षत्रिय मानते हैं। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे शहीद ऊधम सिंह नगर के अंदर बहुत बार जो जमीन हस्तांतरित हुई है बोक्सा लोगों की, खास करके नॉन जो उत्तराखंड के भी लोग नहीं है, पंजाब से आए हुए इधर से लोग हैं जी, वो
एक बैंक अधिकारियों के साथ में जो बदमाशी करके होता है लोन के नाम से दिखा करके या लोन नहीं दिया तो बैंक वाले उस जमीन को कब्जा कर लेते हैं, ऐसा कुछ आपके यहाँ भी है क्या? ऐसा हमारे यहाँ भी कुछ हुआ है। क्या डोईवाला में ऐसा क्या प्रोसेस थी उसमें? ये हुआ कि हमारे मतलब जो चापलूस लोग थे, चापलूस लोगों ने कभी हमारे नाम से हमारी फर्ज ले ली। अच्छा। हमारी फर्ज ले ली कभी, मैं बैंक से ट्रैक्टर ले रहा हूँ। अच्छा। मैं बैंक से ट्रैक्टर ले रहा हूँ, ट्रैक्टर पे लूंगा, ट्रैक्टर तेरे नाम पे रहेगा। अच्छा। तेरे नाम पे रहेगा और मैं इसको धीरे धीरे करके बैंक को अदा कर दूंगा। अच्छा। तो हमारे सीधे साधे लोग अपनी फर्ज जो है बैंक में लगवा दी और उसने जिसने वो ट्रैक्टर लिया ना तो उसने किस्त अदा की और ना ट्रैक्टर वो किया और उसमें उसकी जमीन भी नीलाम हो गई सबकी। मतलब जैसे बैंक वाला है कि आपने ट्रैक्टर लिया 2.5 लाख रुपए का जी और आपने जमीन रख दी उसे 50 लाख रुपए जी जी जी, जमीन तो हर एक का एक ही कागज है। हाँ, एक ही कागज है, वो सारी जमीन चली तो सारी जमीन। कभी इस पे कोई केस कोई ऐसा केस है आपके सामने जिसमें 2 लाख के लिए 50 लाख की जमीन चली गई हो, ऐसा कोई उदाहरण है आपके सामने? कि कई जगह ऐसा हुआ है, लोग बोलते हैं कि हुआ भाई है, हुआ कि हमने लोन लिया 20,000 रुपए का, जमीन है हमारी 10 लाख रुपए। जी जी जी, हुआ है, लेकिन क्योंकि प्रूफ तब होता है जब हम उसकी रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट तो हुई नहीं, हम चुप हो करके बैठ गए कि भाई यार जमीन चली गई तो चली गई, लेकिन अब इन लोगों के साथ हम कैसे लड़ें क्या करें, कि एक जानकारी नहीं, दूसरे पक्ष कमज़ोर है, कोई साथ देने को नहीं है, तो और वो तो मतलब भूमाफिया तो आप जानते हैं कि भूमाफिया कैसे होते हैं। जी जी जी, तो ऐसे केस हुए हैं, उधमसिंह नगर में हुए, डोईवाला में भी हमारे साथ में ऐसा हुआ है, पौड़ी गढ़वाले में भी ऐसा हुआ, आपके लालढांग क्षेत्र में भी ऐसा हुआ है। आपने जो है अपने क्षेत्र में शिक्षा के लिए बहुत काम किया है, स्कूल खुलवाए, ये शिक्षा के प्रति काम करने का आपको कैसे दिमाग में आया ख्याल? चूँकि मैं एक सर्विस करता था और वहाँ मेरा संबंध अच्छे लोगों से था, अच्छे लोगों से, अफसरों के साथ में जो अधिकारी लोग थे जी, तो उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। मतलब 36 साल मैंने सर्विस की है, 36 साल में 20 साल मुझे उन्होंने काम करने का अवार्ड दिया है। अच्छा। काम करने का अवार्ड दिया, ईमानदारी का अवार्ड दिया है कि आपने ईमानदारी से काम किया है, तो उन्हीं से सीख मुझे सीख मिली है कि देखो शिक्षा ही जीवन में सबसे बड़ी चीज जो है वो शिक्षा है। ये शिक्षित आदमी अपने रास्ते को खुद बना लेता है और जो अशिक्षित है उसे क्या पता है मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। तो जब हम ये अनुभव करते थे, मनन करते थे कि भाई हमारे समाज में भी शिक्षा का वो तो है नहीं, शिक्षित है नहीं, तो ये समाज कैसे बढ़ेगा, इसको कैसे हम आगे ले जाएंगे, तो दिमाग में यही रहता था कि हम कैसे इस समाज को आगे बढ़ाएं, कैसे उसको करें। मतलब सर्विस में रहते हुए भी हमारे दिमाग में ये रहता था। रिटायरमेंट फिर मैंने सोचा कि हमें आगे बढ़ने का जो वो है रास्ता वो राजनीति से मिलेगा, तो रिटायरमेंट लेकर के चुनाव लड़ा, राजनीति में आ गए। तो फिर हमने ये सोचा कि भाई राजनीति विकास का मुद्दा नहीं है, हमें दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। तो राजनीति में हम सोरत हो गए, सब जगह उत्तर प्रदेश था उस समय, हमने ये हो गया, तो हम पॉपुलर हो गए, इसमें प्रशासन में भी पॉपुलर हो गए, तो तब हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू। कितने स्कूल आपने खोले? मैंने स्कूल एक इंटर कॉलेज है जिसका मैं प्रबंधक भी हूँ जी आज की तारीख में, और 5 प्राइमरी स्कूल हैं और 3 जूनियर हाई स्कूल हैं। ये सब अलग अलग जगह पे खोले आप? अलग अलग जगह, सब अलग। तो कितने इनमें लोग बच्चे पढ़ते होंगे? इसमें लगभग 3,000 बच्चे पढ़ते हैं अभी, सब जगह मिलाकर, सब जगह मिला। केवल बोक्सा ही बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों को भी? नहीं, देखिए शिक्षा की जरूरत तो सबको है, शिक्षा की जरूरत सबको है, हम किसी को मना नहीं कर सकते शिक्षा के क्षेत्र। मतलब आपने इसमें ये नहीं किया कि दूसरा बिरादरी का आएगा तो उसको नहीं रखना? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका मानना नहीं है? मतलब ना मेरा मानना यही नहीं है, मेरे दिमाग में या मेरे दिल में सबके प्रति बराबर भावना है, और मेरी मैं क्या कहूँ, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, भगवान को भी बुरा लगता है। मैं अगर किसी मुसलमान के परिवार में भी जाता हूँ मेरी बहुत इज्जत होती है, किसी हरिजन के यहाँ भी बैठता हूँ तो बहुत इज्जत करते हैं, किसी गढ़रिये के यहाँ बैठता हूँ तो मेरी बहुत
बल्कि इंतज़ार करते हैं कि बाबूजी कब आए हमारे यहाँ, कब हम उनसे दो बात करें, मतलब ये हमारा वो है, क्योंकि मेरा किसी से कोई तो जो जो आदिवासी समाज था वो तो छुआछूत का कभी शिकार नहीं था ना, लेकिन दलित समाज छुआछूत का शिकार है। आपके दलितों के साथ रिश्ते कहते हैं छुआछूत होती है या नहीं करते समाज के हिसाब से? 1967 से पहले, आज़ादी से पहले तो छुआछूत हमारे यहाँ था। अच्छा। आज़ादी से पहले या 67 से पहले कह लिए तो 67 में, बल्कि हमने अपने को जनजाति घोषित करने में हमने खुद विरोध किया। अच्छा, खुद विरोध? खुद विरोध किया हमने खुरो, क्योंकि हमें भी इतना वो नहीं था कि हमारे पूर्वजों ने कहा कि हमें तो हरिजन बनाया जा रहा है। अच्छा, हमें जनजाति बना करके। हाँ, जनजाति का सब तो कुछ जानते नहीं थे। हाँ, हाँ, हाँ। कि हमें तो चमार बनाया जा रहा है, क्या हम राजपूत होकर के क्या हम चमार बनेंगे? तो उस भावना को लेकर के हमने खुद विरोध किया कि भाई हमें जनजाति घोषित ना किया जाए। ये उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं जो दलित जातियाँ हैं, लेकिन जब उनको अनुसूचित जाति में रख रहे थे तो उन लोगों ने विरोध किया कि हमको चमारों के साथ रखेंगे। हाँ, हाँ। और आज वो बोलने की हमको बनाओ, आज वहाँ कंपटीशन चल रहा है। हाँ, आज कि हमको कौन नहीं रख रहा है। बिल्कुल ठीक है, हाँ, ये है तो। लेकिन आप लोग अभी भी क्या जो जो उत्तराखंड के अंदर जो शिल्पकार हैं, चमार तो कम है उत्तराखंड में, शिल्पकार तो बहुत ज़्यादा हैं, शिल्पकार समाज जो जैसे टमटा लोग हैं और लोग हैं, तो इनके साथ में आपके कैसे रिश्ते हैं? हमारे यहाँ टमटा नहीं है, हमारे तो एससी समाज है। एससी समाज में कौन जाती है? एक एससी तो बहुत जाती है ना। हम तो हमारे यहाँ तो चमारी। अच्छा, चमारी है आपका ये प्लेन का इलाका? प्लेन का इलाका है, उसमें चमारी ज्यादा, चमारी ज्यादा है। तो उनके साथ में आपके रिश्ते कैसे? बहुत अच्छे रिश्ते हैं। कोई छुआछूत? कोई छुआछूत पहले रही होगी, क्योंकि कई आदिवासी अपने को ठाकुरी मान के चलते हैं। जी जी। अच्छा, ठाकुर मान के चलता है, दलितों के साथ वही रिश्ते रखना चाहते हैं? हाँ। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो आना जाना बैठना उठना सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा? सब कुछ अच्छा। तो जब आपने जो उत्तराखंड में आप आदिवासी आंदोलन चला रहे हैं और आपने पूरा कई राजनीतिक आंदोलन में भी है, तो उत्तराखंड में जो दलित और आदिवासी हैं जी वो हाशिए पे हैं? हाशिए पे, राजनीति पे हाशिए पे हैं, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, नौकरियों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, पंचायत में नहीं है। जी जी। आप तो पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं जी, उत्तराखंड की पंचायतों में और जिला परिषद में आपका कितना प्रतिनिधित्व है? उत्तराखंड की पंचायतों में अभी मैं आपको बताऊँ, 2008 में जो चुनाव हुआ तो उससे पहले हमारे यहाँ एक आध सीट रिजर्व होती थी। अच्छा, पूरे इलाके में प्रधान के लिए। गदरपुर क्या कहीं है? मेरे को यहाँ का तो कोई है, कुछ मैं बताऊंगा। तो मैंने आरक्षण तय होना था, मैं ऑफिस में गया, मैंने कहा भाई यहाँ इस गांव में हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, इसमें हमारी जनसंख्या, इसमें तो ये आरक्षण आप दूसरों को दे रहे क्यों दे रहे हो? यहाँ हमारा प्रधान। हाँ, हाँ, बिल्कुल हमारा प्रधान होना चाहिए। तो मैंने 2008 में अपने क्षेत्र में 5 ग्राम सभाएँ प्रधान के लिए आरक्षित कराए। अच्छा, आरक्षित कराए लालडांग, सॉरी सहसपुर में, सहसपुर में, सहसपुर विधानसभा में 8। तो 8 को वो करने के तो बड़ा विरोध हुआ, तो लोग बाबूजी ने क्या नाम ये करा दिया, हम मिश्रित आ गए तो बड़ा विरोध हुआ। मैंने कहा देखो भाई इस समय अगर हमको इस वक्त हमको अगर वो मिला है, समय मिला है, अगली बार तुमको मिल जाएगा, इसमें विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। जी जी जी। तो उसके बाद जो है फिर 8, 5, 13 में सिर्फ 2 रह गई और आज सिर्फ एक ग्राम पंचायत जो है वो बॉक्सों के लिए मतलब आरक्षित है वहाँ। मतलब वर्तमान में एक है? एक है। मतलब 8 में, मतलब पहले 8 थी, पहले 8 थी, मतलब साल के लिए कोई मतलब 5-7 एक टर्म हो गया या तो कोई 2 टर्म हो गया, फिर दूसरे को दे दिया मौका, कोई दूसरे को दे दिया, ऐसे ऐसे वो। फिर जिला परिषद वगैरह? जिला परिषद में देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और आपका हरिद्वार, इसमें जिला परिषद के लिए, जिला पंचायत के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। नहीं है, वैसे आरक्षण तो होगा नहीं, क्यों नहीं आरक्षण होगा, लेकिन आप लोग के लिए नहीं होगा। हाँ, मतलब आप, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ कि आपके लिए, हमारे लिए एससी का तो आरक्षण होगा? एससी का, एससी का नहीं, एससी का भी नहीं है, एससी का भी नहीं है, इन तीनों जगह। जी जी, इन तीनों, ना एससी है ना एसटी है। पानी
अच्छा, एससी एसटी दोनों के लिए कोई रिजर्वेशन कोई जिला परिषद में नहीं है? नहीं है जी जी। इन पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और के पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा जिले में। अच्छा, पौड़ी गढ़वा गढ़वाल के दुगड्डा जिले में नहीं है। अच्छा, और हरिद्वार के बहादराबाद में नहीं है। अच्छा, दुगड्डा में नहीं और बहादराबाद उनको लिखा भी है कि मतलब यहाँ हमारी एक एक सीट जो दो जिले में एक एक सीट मतलब उनको रिजर्व की जाए। अच्छा, तो अभी तो कुल मिलाकर के पूरे पूरे प्रदेश में जी अगर आज के हालात को देखेंगे तो एक ही व्यक्ति शायद आपका प्रधान होगा? नहीं, जनरल से जीते? नहीं नहीं, आपके ऊधम सिंह नगर में हमारे दो तीन प्रधान हैं। अच्छा, ऊधम सिंह नगर में है, आपके गदरपुर में है, बाथपुर दो तीन प्रधान हैं और दो जिला पंचायत सदस्य हैं यहाँ पे, और एक प्रमुख भी है यहाँ पे हमारे बाजपुर में, जो प्रमुख है वो हमारी जी उसकी है जी। और एक सीट हमारे यहाँ प्रमुख की रिजर्व है बोक्सा समाज के लिए, वो डोईवाला की जो प्रमुख है वो हमारी। अच्छा अच्छा, डोईवाला की जो प्रमुख है वो हमारी समाज की, हमारी कॉन्स्टिट्यूंस से है बोक्सा समाज की। अच्छा, तो कम से कम एक जगह तो कम से कम नहीं दो जगह है। अच्छा, दो जगह है। अच्छा अच्छा, तो जो अभी आप लोगों ने जो आंदोलन आप बोलने कई बार गए, तिवारी जी से मिले, इनसे मिले जी, आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? हमको ये था कि भाई हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, हमको सर्विसों में लिया जाए और हमारे जो हकूक हैं वो हमको, जो जनजाति के हकूक हैं वो हमको दिए जाए, यही हमारी मांगे थी 5 साल। आपने कभी ये पता किया उत्तराखंड सेक्रेटेरिएट में कि उत्तराखंड के लिए जो एस सी एस टी का स्पेशल कंपोनेंट प्लान आता है ना, विशेष क्या बोलते हैं उसको, विशेष योजना जो होती है उसका कभी भी यहाँ पूरा खर्चा नहीं होता, ट्राइबल पैसा वापस जाता है ट्राइबल सत्पना का, ट्राइबल टीएसपी और एससीपी का जो है, एससीपी का एसएसपी जो भी है उसका पैसा यहाँ खर्च नहीं होता, पूरा वापस जाता है। जी जी जी। तो ये यहाँ के जो राजनेता है या जो काम करने वाले लोग हैं उनको जानकारी है या नहीं, और अगर है तो उन्होंने क्या किया? 2008 में टीएसपी का गठन हुआ, ट्राइबल सत्पान समिति का, जिला समिति का गठन हुआ देहरादून में जी। तो उसमें मैं जबरदस्ती घुसा हूँ। अच्छा, जबरदस्ती, बाकी सबको मतलब एक एक सदस्य हमारा डोईवाला से आ गया, एक सदस्य हमारा यहाँ से सहजपुर से आ गया और एक सदस्य जौनसारी जौनसारी वो विकास नगर से आ गया और दो दो सदस्य कालसी और चकरौता से आ गए जौनसारी मूल के। तो जब हमने देखा कि भाई यहाँ हमारा तो प्रतिनिधित्व है नहीं, तो मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट करके जैसे तैसे करके मैंने अपना नाम उसमें जुड़वा दिया, जबकि मेरे नाम पे बड़ा विरोध हुआ। फिर जो हमारे विधायक लोग थे उन्होंने बहुत विरोध किया, भाई दर्शनलाल को कैसे मतलब वो कर दिया। इसमें बैठक हुई तो डीएम साहब ने कहा कि भाई दर्शनलाल को मैंने रख दिया है और भाई तुम्हारे आदमी को मैं निकाल तो रहा नहीं, वो भी रहेंगे दर्शनलाल भी रहेगा। तो साहब जैसे ही बैठक हुई, पैसा बंटना था पूरे पांचों छह ब्लॉक का पैसा बंटना था, बैठक हुई, बैठक होते ही पैसा डीएम ने कहा कि चक्रौता से बांटना शुरू करेंगे, चक्रौता कालसी विकास नगर सहजपुर रायपुर डोईवाला। मैंने खड़ा होकर के उसका विरोध कर दिया, मैंने कहा जी ऐसा नहीं होगा। कि क्यों नहीं होगा, जबकि उन्हीं ने मुझे नॉमिनेट भी उन्हीं ने किया। मैंने कहा जी देखिए मेरे हिसाब से ट्राइबल सब प्लान की जो बैठक हो रही वो पहली बार हो रही है, इससे पहले हुई होगी या नहीं होगी इसका मुझे ज्ञान नहीं है जी। लेकिन चूंकि चक्रौता जौनसार बाबर जो है वो ट्राइबल क्षेत्र है जी, और वहाँ तो पैसा, और वहीं का विधायक भी है, वहीं का मंत्री भी है, वहीं के सब कुछ हो, तो ये ट्राइबल प्लान का जो पैसा है वो सब जाता रहा होगा वहाँ, और हमारे क्षेत्र में कभी कोई पैसा लगा नहीं। तो इसलिए मैं पहली बार इस उसमें आया हूँ और मैं ये चाहूँगा कि पहले डोईवाला शुरू किया जाए, फिर रायपुर आ जाए, फिर क्या नाम डोईवाला आ जाए, ये सहजपुर विकास नगर कालसी तब चकरौता। तो उनके तो 7-8 नॉमिनेट थे, उनके जो जौनसारी लोग 7-8 थे, हम 3 आदमी थे। तो
प्रस्ताव पास हो गया, सब कुछ हो गया, सब हो गया। उसके बाद पैसा बटा, तो पैसा बटते बटते योजनाओं का पैसा तो कोई हम अपने घर में तो ला नहीं रहे, तो योजनाओं का पैसा, विकास का पैसा था, तो कालसी का पैसा पूरा होने के बाद 50,000 रुपया वहाँ चकरौता ब्लॉक के लिए बचा। और डीएम साहब ने कहा कि ये जो शेष योजना चकरौता की रह गई हैं वो मैं अगली उसमें इनको पूरा कर दूँगा। सबके दस्तखत हो गए, ये हो गया, सब कुछ हो गया, तो बैठक ख़त्म हो गई, हम निकल लिए। और जो वहाँ के जौनसार बाबर के जो लोग थे वो वहाँ रुक गए, अधिकारी भी वहाँ, हम जो तीनों प्राणी थे बुक्सा जात के, हम निकल गए वहाँ से। और उन्होंने वहाँ हंगामा कर दिया, अच्छा, चकराता के लोगों ने हंगामा कर दिया कि साहब पैसा जो है दर्शन लाल ले गया, पैसा दर्शन लाल ले गया, पैसा सारा दर्शन लाल को दे दिया, हम तो खाली रह गए। तो अब किसी ने प्रीतम सिंह जी को, मंत्री थे, उनको फ़ोन कर दिया, उन्होंने तिवारी जी को फ़ोन कर दिया कि साहब सारा पैसा जो है क्या नाम दर्शन लाल ले गया है। तिवारी जी ने कहा कि भाई दर्शन लाल कैसे पैसा ले गया, भाई पैसा तो विभाग के पास होगा, वो कैसे पैसा ले गया, कि नहीं सारा पैसा दर्शन लाल को दे दिया, ये कर दिया, सो कर दिया। तो तिवारी ने कहा कि आज इसकी मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। तो गढ़वाल मंडल के कमिश्नर थे, मैं नाम नहीं याद रहा कौन थे, उनको वो पूरी फाइल जो है मतलब एक घंटे के अंदर अंदर इंक्वायरी के लिए वहाँ चली गई फाइल, अच्छा, कमिश्नर के पास, मतलब कि इसकी इंक्वायरी करके और मुझे सुबह तक रिपोर्ट दो। अच्छा, तो अब उसमें हमारा कोई फॉल्ट होता तो कुछ होता तो कि भाई कैसे ले गया वो दस लाख, कैसे पैसा ले गया। तो उन्होंने उसका निरीक्षण किया, कमिश्नर साहब ने उसका निरीक्षण किया, निरीक्षण में पाया कि हर प्रतिनिधि चाहता है कि मेरे क्षेत्र में काम हो, और दर्शन लाल ने अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए ये योजना स्वीकृत कराई, इसमें इतना पैसा दर्शन लाल ने कोई अपना मतलब घर बनाने के लिए पैसा नहीं वो किया है, तो अगर किसी को ऐतराज़ है तो वो दूसरे तरीके से ऐतराज़ करें कि दर्शन लाल का नाम बदनाम कर रहे हैं कि दर्शन लाल पैसा, वो अपना घर बनाने के लिए तो नहीं, ये विकास की योजना है, इतनी विकास नगर के हैं, इतने शहरपुर के हैं, इतनी उसकी विकास नगर के हैं, डोईवाला के हैं, कालसी की हैं, तो फिर भी नहीं माने कि नहीं जी। तो फिर वो मीटिंग कैंसिल हो गई, वो मीटिंग ही कैंसिल हो गई। उसके बाद एक महीने के बाद फिर वो मीटिंग हुई, मीटिंग हुई तो उसमें डीएम साहब ने कहा दर्शन लाल आप ज़्यादा वो मत करना, आपकी सारी योजना मैं कर दूंगा, लेकिन ये पैसा भारत सरकार का है, अगर ये अब भी मतलब ये नहीं बटा तो ये पैसा वापस हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है साहब, पैसा हम ये थोड़ी चाहते हैं कि पैसा वापस जाए, हम तो चाहते हैं कि क्षेत्र में इसका लगना चाहिए। तो उसके बाद आप ये समझो कि हमारे क्षेत्र की जितनी भी योजनाएं थी, जितनी भी प्रस्तावित थी, वो सारी योजनाएं फिर उन्होंने कर दी। मुझे हमें ये पता नहीं वो पैसा TSP का लगा या काहे का लगे, जितनी मतलब हमारी प्रस्ताव की योजना थी वो सारी हो गई है। उसके बाद ये ट्राइबल प्लान समिति का गठन करना बंद कर दिया गया, उसमें विधायकों को ले लिया गया है, मतलब जनप्रतिनिधि ना ले करके विधायकों को ले लिया गया, कभी विधायक ही अपने क्षेत्र का मतलब प्लान बनाएंगे वो करें, तो विधायकों के पास तो अपनी विधायक निधि ही खर्च नहीं होती, तो ट्राइबल सब प्लान के पैसे को वो कैसे वो करें, तो इसलिए मतलब इनके पास ट्राइबल सब प्लान का, जबकि हमारे क्षेत्रों में काम की इतनी गुंजाइश है दुगुना पैसा भी हर साल आता रहे वो भी पैसा कम पड़ जाएगा, लेकिन कोई उसका प्लान ही बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो पैसा तो वापस जाना ही है। हाँ, उस सवाल को कोई लोग उठा भी नहीं रहे है ना? और ऐसे संगठन भी नहीं है दलितों आदिवासियों को जो बोले कि भाई ये गलत बात है, हमारा पैसा मिलना चाहिए। अब उत्तराखंड के अंदर आदिवासी आबादी कितनी है? 17%। ये तो मुझे नहीं। 7.5%। 7.5% उत्तराखंड के अंदर आदिवासी आबादी, और मेरे ख्याल से 15-16% शायद दलित आबादी है। 19% तो 19 और 7 26-27% आपके पास में SC/ST पॉपुलेशन है जी। तो ये नहीं आना चाहिए कि जितना बजट यहाँ आता है उसका 27% कम से कम SC/ST के लिए आना चाहिए। नहीं करते, वो भी यदि मतलब इसमें
आप विधायकों को लीजिए, आप विधायकों के पास विधायक लीजिए आती, उसमें भी एसटी एससी का कोटा होता है, उसमें भी होता है। विधायक लोग क्या करते हैं कि एसटी एससी का पैसा तो खर्च करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल उस समुदाय के वहाँ खर्च नहीं करेंगे, वो दूसरे समुदाय के यहाँ खर्च कर देंगे और दिखाएंगे कि एसटी एससी गाँव में लगा दिया हमने। तो खर्चा क्या काम कराते हैं अगर आप? जैसे हैंडपम्प लगाना है या कोई सड़क बनानी है, मंदिर मंदिर बनाना है, या मंदिर मंदिर बनाना है, मंदिर में भी इतना नहीं, सड़कों पे लगता है, सड़कों पे ज्यादा होता है, क्योंकि आजकल विधायक लोग मंदिर ही बना दे रहे हैं ना। तो जबकि ये पैसा असल में जो था एसटीपी का और जो भी ट्राइबल सब प्लान है टीएसपी का, ये लगना चाहिए था एजुकेशन पे और उसके स्कूल बनने पे और चीजों पे, लेकिन ये जा रहा है गलत रास्तों पे जा रहा है ये पैसा। जिस समाज कल्याण अधिकारी ने हमारे प्रस्ताव को सैंक्शन किया था जी उस वक्त, तो एक द्वेष भावना के तहत कि सारा पैसा दर्शनाल को ले गया, दर्शनाल को दिया, वो द्वेष भावना के तहत उस समाज कल्याण अधिकारी को प्रताड़ित किया गया कि दर्शनाल का काम क्यों किया इसने। आज भी वो समाज कल्याण अधिकारी प्रताड़ित है। अच्छा, जब वो रिपोर्ट लिखने के लिए बोला था, रिपोर्ट में क्या आया? उसमें तो मतलब यह आता ना कि भाई देखो, रिपोर्ट में तो समाज कल्याण अधिकारी ने ही संतुति करनी थी ना, है ना। तो उसमें ये आया कि जितना भी पैसा सैंक्शन हुआ वो विकास योजनाओं पे के लिए सैंक्शन। आपको कैश तो मिला नहीं है, है? आपको तो मिला नहीं पर्सनल? हाँ, हमको प्रश्न कुछ था ही नहीं हमारा, लेकिन उसमें ये था कि एक तो हमारे स्कूल थे जो हमने स्कूल संचालित उनके लिए था, और ये क्या कहते हैं उसको, ग्राम पंचायतों का जो पंचायत भवन होते हैं उनके लिए था, मतलब निर्माण कार्यों के लिए वो सारा पैसा था। तो उसमें उनके ऊपर ये आक्षेप लगा दिया कि प्राइवेट स्कूलों को इन्होंने कैसे पैसा दे दिया, ये पैसा सरकारी स्कूलों में लगना था। अच्छा, संस्था के स्कूलों में कैसे? हाँ, संस्था के स्कूलों में कैसे लगा दिया इन्होंने। तो आज तक वो समाज कल्याण अधिकारी जो है मुझे बड़ा वो करते हैं, बल्कि हाथ भी जोड़ते हैं बेचारे, बड़े अच्छे वो है, और हमारा भी संबंध बड़ा अच्छा है कि जी आपकी वजह से जो है मुझे प्रताड़ित किया गया है। तो जो एस सी एस टी के यहाँ पर अधिकारी हैं जी, जी आप तो मिलते होंगे, और एस सी एस टी के जो नेता हैं जी, उनका मतलब जब वो काम कराते हैं या अपने प्रशासन में है, उनकी ताकत कितनी है, उनका उनके कोई बात सुनता है या नहीं सुनता है, या वो काम नहीं कराना चाहते? दोनों चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, काम ही नहीं कराना चाहते जी। एक तो होता है कि भाई मेहनत कर रहा बंदा और जी 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 उसके खिलाफ में जातिवादी माहौल है जी, और एक है कि कई होता है कि इंटरेस्ट ही नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं लेते। सिर्फ यहाँ तो जो नेता लोग हैं वो सिर्फ अपनी जेब भरने के चक्कर में रहते हैं कि मेरी जेब कैसे भरे। सारे नेता ऐसे अपर कास्ट भी हो उसमें तो वो सब ग्राउंड लेवल पे कोई काम करने को तैयार नहीं है, और इसी वजह से टीएसपी का पैसा जो है वापस जाता है। जब आपने जो स्कूल खोला जी, और जो स्कूल आपके चल रहे हैं 3000 बच्चे आप कह रहे हैं कि बोक्सा समुदाय के और दूसरे समुदाय के भी हैं, उन स्कूलों में लड़कियों की तादाद कितनी है? 50% है। 50% बोक्सा समाज के अंदर लड़कियों की स्थिति कैसी है? ठीक है लड़की, ठीक मतलब किस सेंस में? मतलब किस आप किस मतलब मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि उनकी उनकी साक्षरता का, उनका एजुकेशन का, और आगे रोजगार का, उत्पीड़न का क्या स्तर है? उत्पीड़न तो हमारे लड़कियों का नहीं है, नहीं, नहीं। मतलब मारपीट दहेज वगैरह कोई ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारी लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि लड़के उतना नहीं बढ़ पा रहे हैं, लड़कियां बढ़ रही हैं। अच्छा, हाँ लड़कियां बढ़ तो रही, लड़के क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्या कारण? अब इसका तो क्या कहें, कुछ सामाजिक बुराइयां हैं क्या? अच्छा, सामाजिक बुराइयां सामाजिक बुराइयां हैं, बीड़ी पीना, नशा करना, और चरस। अच्छा, चरस में आ गए? हाँ, मतलब ऐसा है कहीं ना कहीं, कहीं है ऐसा, तो नशे के चक्कर में ज़्यादा वो पड़ गए हैं। तो जहाँ इन चीज़ों की वो होगी तो वो समाज, मैं
मैं समझता हूँ पतन के कगार पे ही जाता है। तो जो बोक्सा समाज है और जो दूसरे समाज हैं जैसे थारू हैं और वन गुजर हैं और वन राजी हैं, जो भी ये लोग हैं या आपकी भोटियाज हैं जी, उन लोगों के साथ में आपके रिश्ते कैसे हैं? मतलब एक सामाजिक तौर पे, दूसरा क्या कभी कोशिश किया आप लोगों ने उत्तराखंड के अंदर ऐसा राजनीतिक अलायंस, मतलब राजनीतिक अलायंस बनाए जो ऐसी सब जातियों को इकट्ठा करे और एक ताकत बने? हाँ हाँ, हमारी एक संस्था है, पांचों जनजातियों की हमारी एक संस्था है, उसका मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। और वो संस्था का नाम है उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति। अच्छा। उसमें भोटियाँ हैं, थारू हैं, बोक्सा हैं, राजी हैं, मतलब पांचों जनजातियों पांचों जनजाति के लोग उसमें हैं। और हमारा मतलब बहुत अच्छा संगठन चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। एक होता है, एक तो संगठन जो है वो जैसे आपने कहा संस्था है हमारी, और संस्था में अगर अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आएंगे बोलेंगे ले 10 लाख रुपए ले लो जी, संस्था कमल का फूल लगा देगी। हरीश रावत जी आएंगे तो उनका हाथ लगा देगी। और एक होता है कि राजनीतिक समझ विकसित करने के लिए कि भाई हमारा जो सम्मान है, अस्मिता है, जो हमारे जल जंगल जमीन है जो लुट रहे हैं, उन पे हम कैसे प्रभावी रूप से जो है सरकार पे असर डाल सकें या जो नीतियां बना रहे हैं उन पे असर डाल सकें। तो ऐसा इस प्रकार का कुछ कार्य आप लोग को करने की योजना है या कर रहे हैं, किया है? ऐसा है, इसमें ऐसा है कि हमारे जो पांचों जनजातियों का संस्था है वो किसी एक राजनीतिक उससे नहीं है, और अपनी अपनी विचारधारा है ना, और उसमें किसी का कोई मतलब वो नहीं है। हाँ, हम सरकार से अपनी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम रावत को भी बुलाया हमने, तिवारी जी को भी बुलाया हमने, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी बुलाने के उसमें हैं, और बौगुणा जी रहे हैं, हम उनको भी बुलाया हमने अपने सम्मेलनों में, और निसंग जी रहे हैं, मेजर साहब रहे हैं, उनको भी हमने अपने उसमें आमंत्रित किया है। मतलब ऐसा राजनीतिक उस पर हमारा ऐसा कोई वो नहीं है। कभी आपने अपने सम्मेलन में किसी बड़े आदिवासी कार्यकर्ता नेता को ही बुलाया जो देश भर में काम कर रहे हैं आदिवासी अस्मिता के सवालों पर लेकर? कभी आपको कोई लिंक उनके साथ है? ऐसा नहीं। क्या ये लगता है कि अगर आप आदिवासी के किसी को बुलाएंगे, आदिवासी समाज के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को, तो यहाँ की राजनीति हिलेगी या उनको असर करेगा, या आप लोगों को झिझक होती है इस चीज़ को लेकर? कई बार एक झिझक भी होती है कि आदमी बोलना नहीं चाहता कि मैं आदिवासी हूँ या मैं दलित हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि जो दूसरे जातियों के साथ मेरे रिश्ते थोड़ा ख़राब हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम क्या नाम आदिवासी नेता को बुलाएंगे उससे तो हमारे हमको तो लाभ होगा ही, लेकिन क्षेत्र को भी लाभ होगा उससे। अभी तक आप लोगों को ख्याल क्यों नहीं आया उससे? तो हमें मतलब क्षेत्र को आप बोल रहे हैं, हमने बहुगुणा जी को बुलाया, उसको बुलाया, उसको बुलाया, पर आदिवासी किसी आपने नाम नहीं लिया। मैं पूछ रहा हूं, देखिए मैं बताऊं, हमारे यहाँ दिलीप सिंह भूरिया जी दिलीप सिंह भूरिया जी आए तो हमें किसी ने कहा शाम को 5 बजे कि दिलीप सिंह भूरिया जी आ रहे हैं जी, और आपको उनसे मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो जौनसार के लोग थे वो नहीं चाहते कि कोई आदिवासी नेता हमसे मिले। तो जितना भी केंद्र सरकार से कोई भी आदिवासी नेता आएगा वो अपने यहाँ ले जाता है, सीधे अपने यहाँ ले जाता है, जौनसार में ले जाता है। उनके यहाँ कांग्रेस पार्टी के आते होंगे, दिलीप सिंह जी जो है भाजपा के हैं, वो चाहे ना, वो उनके यहाँ कोई पार्टी नहीं है। अच्छा। उनके जब वो ऊपर चले जाते हैं वहाँ कोई पार्टी नहीं, सब इकट्ठे रहते हैं वहाँ। अच्छा। और जब वो नीचे आते हैं फिर वो कांग्रेस के और भाजपा के हो जाते हैं हमें दिखाने के लिए, वहाँ वो सब एक है। वहाँ एक है, वहाँ सब एक है, अपना हित, हित अपने हित के लिए। अच्छा। हाँ, तो 7 बजे दिलीप जी आए और तो मैं थोड़ा बाहर था, अंदर चले गए, मैंने कहा इनको अंदर बैठने दो, और भी कुछ लोग थे, थोड़ा आवाज़ से जोर से बोलो, और भी कुछ लोग थे तो उनके साथ जौनसार के 4-5 लोग थे तो वो अंदर बैठ गए, तब मैं बाहर से गया, मैंने कहा साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? तो बात चल रही थी कि भैया बोक्सा नहीं है, बोक्सा का एक दो परिवार होगा कहीं आसन नदी के पास पड़ा होगा, यहाँ बोक्सा नहीं है।
और मैं सुन रहा हूँ, बाहर मैं सुन रहा हूँ, तभी मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने कहा जी मैं अंदर आ सकता हूँ कि हाँ हाँ आइए आइए आइए। और वो जो हमारे साथी वहाँ चार पांच बैठे, वो मुझे देख करके सब सन्न रह गए, पहचानते हैं सब, नाम से भी वैसे भी जानते हैं। तो मैंने कहा हाँ भाई चौहान जी, मैंने कहा मैं कौन हूँ कि आप दर्शनलाल हैं। मैंने कहा बोक्सा जाति का हूँ ना कि हाँ। मैंने कहा कितने परिवार हैं आसन नदी पार? आप जो अभी ये कह रहे थे, मुन्ना सिंह चौहान बोल रहे थे, दूसरे और थे? अच्छा और कुछ? और थे। मैंने कहा अभी जो आप ये कह रहे थे कि दो परिवार पड़ा होगा आसन नदी के किनारे, तो मैंने कहा क्या आपने कभी जा करके देखा है? उनके बोल मुंह पे बोल नहीं आया। अच्छा। तब मैंने कहा दिलीप सिंह, मैंने कहा जी मेरा नाम दर्शनलाल है और मैं बोक्सा जनजाति से हूँ। क्या हाँ हाँ अभी तो बात हो रही थी कि आप तो हिंदू हैं और ठाकुर हैं हम। अच्छा। अपने आप में हम ठाकुर हैं। तो जो जौनसार के अंदर जो छुआछूत होती है जी, दलितों के साथ में मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है जी, आप लोगों ने उस पर कोई प्रयास किया कि वो होना चाहिए? नहीं देखिए वो उनका उनके क्षेत्र का मामला है, उस क्षेत्र में हम क्यों इंटरफेयर करें। तो आप सहसपुर में तो रहते हैं, सहसपुर से आगे जाके तो जौनसार थोड़ा सी नहीं 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 उनका जो है चक्रौता, चक्रौता कालसी चक्रौता, उनके दो ब्लॉक अलग हैं। हमारा तो सहसपुर और विकास नगर डोईवाला देहरादून में, तीन ब्लॉक हमारे हैं और ये दो ब्लॉक उनके हैं, उनके क्षेत्र में। जहाँ आपका इलाका है, जहाँ आपकी पंचायत होगी, आपके लोग होंगे, वहाँ दलितों के साथ कैसे व्यवहार होता है? बहुत अच्छा, कोई छुआछूत? कोई छुआछूत नहीं। मंदिर प्रवेश का कोई दिक्कत नहीं? हाँ सब सब, मैंने खुद मंदिर बनाया सर, सब दलितों को मैं अपने साथ में, उनसे चंदा भी लिया, पैसा भी लिया, सबसे पूजा भी करते हैं, आज भी पूजा करते हैं, हमने खुद मंदिर बनाया है। जितना आप लोगों ने बनाया है, इन मंदिरों में पुजारी कौन है, आपके जात के हैं या ब्राह्मण? शुरू में हमने एससी को पुजारी रखा। एससी को? अच्छा। और तो एससी का पुजारी रखा तो आप लोगों ने प्रसाद ले लिया उनसे या नहीं? जब हमने पुजारी खुद रखा है तो प्रसाद नहीं लेंगे उससे। अच्छा। जब हमने पुजारी रखा है तो प्रसाद तो हम लेंगे ही उसके हाथ से। मतलब बनाया है ना। और उसके बाद अपना पुजारी रखा। अच्छा, अपनी बिरादरी का। तो ब्राह्मण ने रखा आपने? और उसके बाद फिर ब्राह्मण रखा। ब्राह्मण क्यों रखा फिर बाद में? नहीं देखिए मिश्रित आबादी है, उसमें अच्छा, ब्राह्मण भी हैं हमें। अच्छा, तो सभी को साथ लेके चलना। अच्छा, है ना? अच्छा, तो यहाँ भी राजनीति हो रही है। ये कैलकुलेशन ये राजनीति नहीं है। अच्छा। ये राजनीति नहीं है, ये एक व्यवस्था है। जैसे एक जगह पे उत्तर प्रदेश में कई गाँव है जी, जहाँ ब्राह्मण परिवार एक है, वो एक ही आदमी सारे गाँव का पुजारी बन जाता, वो कभी नहीं सोचता कि यहाँ पर एक दलित को भी पुजारी बना लूँ, या एक वो बोलता है कि मैं तो मेरे को भगवान ने लाइसेंस दिया कि तू ही पुजारी बन सकता है? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो मतलब जैसे मानसिकता, तो जैसे जैसे आपने दलित पुजारी को रखा जी, उस पुजारी के मतलब उस पे आने से मंदिर में जो आप बोले कि हमारे यहाँ मिश्रित आबादी है, तो सारी आबादी आती थी प्रसाद साथ खाने के लिए? हाँ हाँ सब सब, हिंदू धर्म में मानने वाले सभी आते। नहीं हिंदू धर्म तो पूरे देश के अंदर है, हिंदू धर्म मानने वाले पूरे छुआछूत करते हैं। नहीं नहीं, तो हमने तो अपने लिए कहा ना। हम नहीं कहा, नहीं हम दूसरे सब सबका कैसे कहेंगे? कहने का मतलब आप उत्तर प्रदेश में रहे, मतलब ये उत्तराखंड का इलाका जो है 2000 में बना, तो 2000 से पहले तो मतलब नवंबर 2000 से पहले तो उत्तराखंड जी जी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। और अब आदिवासी की बात करें तो सब जगह है, दलित आदिवासी का प्रश्न है जी, जी जी। और ये प्रश्न हमेशा आता है कि आज भी दलितों को जो है मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया था। जब आपके जौनसार है तो मैं वही पूछना, केवल मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं देखिए पूजा करना आपका व्यक्तिगत मामला है और उसमें कोई किसी को दखलंदाजी नहीं करता। आप जय श्री राम करके बोलिए, जय शिव जहांगीर की बोलिए, अल्लाह ताला का बोलिए, आपकी मर्जी है, है ना। लेकिन केवल ये है कि जहाँ एक आदमी को आप रख दें मंदिर के अंदर, तो दूसरे लोग, जैसे अभी भी कई जगह पे अगर एक दलित महिला को खाना बनाने के लिए रख दिया जाए तो आधे लोग खाना नहीं खाते हैं जी, ये मेरे ख्याल से उत्तराखंड में भी कई जगह होता होगा। हाँ होता है सब, लेकिन आपके इलाकों में नहीं होता। हाँ हमारे यहाँ आपके इलाके। आपने जब एक अपने आत्मकथात्मक तथ्य में बोला कि आपने जब शुरुआत की, आप पांचवी तक पढ़े आप? आठवीं तक। फिर हाई स्कूल किया, तो मतलब प्राइवेट पहले पांचवी से पढ़ के ही धीरे धीरे करके फिर और नौकरी उकरी करके 42 रुपये में आपने नौकरी की आप बोलते हैं। तो आपके पिताजी माता पिताजी क्या करते, किस तरह का जिंदगी था शुरुआती दौर पर, आज में उसमें क्या फर्क आया? हमारे माता पिताजी बहुत गरीब थे, जमीन थी, जमीन
जमीन थी लेकिन जमीन वो उत्पादन नाम मात्र के था, उत्पादन नाम मात्र का था। सवेरे से हल चलाना और दिन भर हल चलाना, फिर ये करना सो खेती बाड़ी करना, माता उसमें जो है वो गृहिणी थी, है ना, वो उनको सहयोग करती थी। लेकिन अगर हम 10 बीघा बोते थे तो 10 किलो भी होने की उम्मीद नहीं थी उस वक्त, ऐसी मतलब उत्पादन बहुत कम था। मेन क्या था, चावल का, धान का, मतलब धान है, चावल है, धान है, गेहूँ है, मतलब यही उस समय उत्पादन बहुत कम होता था। तो हमें जो कुछ प्रेरणा मिली है वो हमारी माँ से ही मिली है, उन्हीं के मतलब उससे ताकि वो हमारे सामने भी अगर चार रोटी बनी है तो और मांगने वाला आ जाए तो उठा करके दो उसको दे दी, अपने आप भूखे रह गया, और दो अपने बच्चों में बांट दिया, अपने आप भूखे रह गया। मतलब ऐसी स्थिति हमारे उस वक्त थी। तो हम देखते थे कि भाई हमारी माँ, चार रोटी है, दो हम बच्चों को बांट दिया, पिताजी को दे दिया, उनको माँ भूखी है तो भाई इसका क्या होगा। तो फिर दोबारा फिर आटा बना, फिर दोबारा फिर वो उसको किया। तो हमने ये सोचा कि भाई इनके अंदर जो है एक ऐसी भावना है जो मतलब अच्छी भावना है, उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमने अपना जीवन शुरू किया है। वही चीज़ आज भी है हमारे अंदर भी, वही है। हमें जो कुछ मिलता है उसका आधा भाग हम जनता सेवा में लगा देते हैं। आपके बच्चे वगैरह? मेरे 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। 2 लड़के सर्विस करते हैं, वो अपना काम करते हैं, एक दिल्ली में है, एक गांव में ही है, वो सर्विस करते हैं। एक लड़का हमारा वो भी सर्विस में था लेकिन किन्हीं कारणों से नौकरी छोड़ दी, वो घर का काम देख रहा है। हम फ्री हैं, हमें फ्री है उनकी तरफ से कि पिताजी आप जहाँ जाओ जैसे करो हमें। लोग भी चाहते हैं घर से दूरी रहें, ऐसा नहीं। आजकल जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि वो नहीं, घर से दूरी रहे तो ज्यादा अच्छा। ऐसा नहीं, वो ये कहते हैं कि आप घर में रहो, अच्छा हमें आप सेवा करने का मौका दो। अच्छा, हमें उम्र बहुत हो गई है, सेवा करने का मौका दो ताकि हमें सेवा से वंचित मत करो। अच्छा, है ना, उनका ये कहना। लेकिन ये मेरी इच्छा है कि मैं जहाँ जाऊँ समाज के हित में काम करूँ, समाज में अपना वो रखूँ, समाज से संबंध रखूँ। तो अभी 78 साल की उम्र में जवानी का राज क्या है? जवानी का राज, अब ये तो सुबह कितने बजे उठते हैं आप लोग? मैं सुबह 4:30 बजे। 4:30 ये हमेशा से? बिल्कुल मतलब इतने 60-70 साल 78 साल का पूरा यही? बिल्कुल 4:30 बजे और फिर दिन भर अपना दिन भर चल गया तो 9 बजे के बाद सोते हैं। फिर 9 बजे खाना, हाँ खाना हम उतना लेते हैं जितना पचा सके। मतलब अगर एक रोटी की भूख है तो एक ही लेंगे, अच्छा बर्बाद भी नहीं करेंगे, पहले देख लेंगे हम इसमें छक जाएंगे नहीं, अगर ज़्यादा होगा तो उसे निकलवा देते हैं। मतलब अपने उसके हिसाब से। सुबह उठ करके अपना 1-2 किलोमीटर घूम जाते हैं और दिन भर भी मैं, मेरे पास कोई 2-व्हीलर नहीं है, 4-व्हीलर नहीं है, पैदल चलता हूँ। कम से कम एक दिन में मैं 6-7 किलोमीटर जरूर पैदल चलता हूँ। 6-7 किलोमीटर कम से कम है ये। और व्यसन मेरे पास कुछ नहीं, बीड़ी का व्यसन नहीं है, सिगरेट का व्यसन नहीं है, तंबाकू का व्यसन नहीं है, दारू का व्यसन नहीं है, मैं उनसे दूर हूँ। अच्छा, यही मेरे स्वास्थ्य का राज भी है। तो अभी यात्राएं कितने करते हैं समाज से मिलने जुलने के लिए? बहुत कुछ। अभी जुलाई में मैं महाराष्ट्र गया था, मैं एक और संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, बनवासी कल्याण आश्रम से। अच्छा, तो उनके जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ मुझे बुलाया जाता है और मैं जाता हूँ। जुलाई में वहाँ, जून में वहाँ गया था, जुलाई में उनका कार्यक्रम हिमाचल में था, मैं वहाँ गया हूँ 8 दिन के लिए वहाँ। अभी 78 साल हो गया, कितने साल में आपका कुछ टारगेट है कि मेरे को इतने साल में ये कुछ करना अपने समाज के लिए? जितना काम मैंने कर दिया इतना मेरे समाज में कोई करके नहीं जाएगा।
नहीं, आप तो आप है ना, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, ये बात ठीक है, लेकिन कुछ होगा ना आदमी का कि ये होता है कि मेरे को आगे ये देखना चाहता हूँ अपने जीवन में, कुछ तो सोचते होंगे कि मेरे को ये देखना है कि 5 साल बाद मैं ये देखना चाहता हूँ। देखिए अब तो अंत समय है ना, अंत समय है ना, मालूम किस समय, अभी तो हमको तो लगता नहीं कि अंत समय इतनी जल्दी, नहीं नहीं ऐसा ऐसा है, हमारी जनजाति सलाहकार परिषद है, कांग्रेस सरकार ने उसको वो किया है, बनाया है, किंतु उसका विस्तार नहीं किया, दो उपाध्यक्ष बना दिए बस, उसके बाद उनका काम खत्म। उसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री से कई बार लिखा पढ़ी करी, लेकिन अब शासन है, प्रशासन है, हमारी बात को नहीं मानता, तो लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वो हमने किया। हमारा तिवारी जी के टाइम से ही मेरा ये था कि हमारी एक राष्ट्र प्रदेश स्तर की एक हमारी बोक्सा जाति की ही एक समिति का गठन किया, सरकार स्तर पे किया जाए, और उसमें हमारे जितने भी विकास के मुद्दे हैं उस संस्था के माध्यम से उस वे हमारे वो किया जाए। तो तिवारी जी चले गए, दोनों विधायक भाजपा के हैं, दोनों ये चले गए, अब आ गए ये कौन थे, रावत जी आ गए, ये हरीश रावत जी। तो इनको हमने समझाया तो इनके दिमाग में आ गया, तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपके ये करता हूँ। उन्होंने 16 अगस्त 2016 को उत्तराखंड बोक्सा कल्याण परिषद का गठन किया। अच्छा, 15 अगस्त 2016 को तो उत्तराखंड बोक्सा कल्याण परिषद तो 16 में किया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और जैसे ही चुनाव का टाइम आया, अभी ये चुनाव का जो टाइम आया, तो उससे 2 महीना पहले उन्होंने उसका विस्तार कर दिया, गठन कर दिया, मतलब उसमें 2 उपाध्यक्ष बना दिए, एक गदरपुर से और एक हमारे क्षेत्र से, मतलब गढ़वाल से, एक उससे मंडल उससे, और उसमें 9 सदस्य बना दिए, 9 सदस्य सबको, इसमें 2 सदस्य एक थारू और एक मोमडन, 2 उनको भी डाल दिया हमारे, अच्छा, हमारे साथ में उनको भी डाल दिया, हाँ हमारे उसमें उनको भी डाल दिया। बोक्सा बनाने का मतलब कि आदिवासी हाँ, बनाते हैं। हाँ तो मैंने कहा, मैंने कहा जी ये आपने क्या किया, अरे एडजस्ट करना था इनको, एडजस्ट करना था, मैंने कहा एडजस्ट करना था, हाँ मैंने कहा एडजस्ट करना तो क्या हमारे ही उसमें करना था तुमने। अब उसके बाद जो है वो कल्याण परिषद 2 महीने काम किया, और 2 महीने के बाद आचार संहिता लग गई, वो सारा काम खत्म हो गया। तो जो भी बॉडी मतलब उन्होंने बनाए थे वो डिस्टर्ब हो गई। अब बीजेपी ने बनाई नहीं कुछ नई बॉडी, अब बीजेपी ने अभी वो नई बॉडी बनाई नहीं, ना सलाहकार परिषद की बनाई और ना हमारी बनाई। तो मैंने इनको भी लिखा है, और किसी बाबा को ना रख दो, इनको भी लिखा है कि भाई हमारे इसमें हमने फिर ये दिया है खोल करके, भाई 1 सदस्य 2 उपाध्यक्ष बनाने हैं आपने, एक गढ़वाल से बना दो, एक कुमाऊँ से बना दो, और 9 सदस्य है, और 9 ही हमारे ब्लॉक हैं, 9 सदस्य 9 ही ब्लॉक हैं, एक एक ब्लॉक से एक एक आदमी को उसमें बना दिया, तो ये हमारी बॉडी बन गई। अध्यक्ष आप अपनी तरफ से हमको रख दो, किसी को रख दो, उसका भी हमें कोई वो नहीं है, मुझे तो आशा भी नहीं है कि तुम मुझे रख दोगे, है ना, तो अपनी तरफ से किसी को रख दो जो मतलब काम करने वाला हो, लेकिन होना चाहिए काम। उसका कुछ उद्देश्य और बने हैं? हाँ, उसकी पॉलिसी बनी हुई है, पॉलिसी बनी हुई है, जी जी पॉलिसी बनी हुई है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने धन्यवाद, थोड़ा कुछ चीज़ छूटी हो तो आप बोल सकते हैं कोई आपको लगता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि सत्ताधारी जो दल हैं, जो ताकतें हैं, वो काम तो कर सकती हैं थोड़ा बहुत, बदलाव नहीं कर सकती, कभी परिवर्तनकारी ताकतें नहीं होती हैं, इसलिए अगर बोक्साओं के नाम से कोई चीज़ बनाए तो उसमें सारे जो एडजस्ट करने के लिए, लाल बत्ती देने के लिए जो ये सिस्टम है, ये सारे हमारे देश के अंदर जो स्वायत्त साथी संस्थाएँ हैं, उन स्वायत्त शासी संस्थाओं को खत्म करने का काम हमारे सरकारी तंत्र ने किया है। चाहे अनुसूचित जाति आयोग हो, अनुसूचित जनजाति आयोग हो, जो भी नेता को मंत्री ने बनाते हैं उसको वहाँ बना देते हैं, और वो जाके केवल लाल बत्ती घुमा करके करते हैं, काम कुछ करते हैं, काम नहीं करते। तो इसलिए ये भी दुखद बात है कि ये एक आयोग बना और उस आयोग में जो है आप एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ जो है
राजतंत्र, मतलब वो जो जिसको हम प्रशासनिक तंत्र बोलते हैं, वो जनता की समस्याओं को या समुदाय की समस्याओं के प्रति कितना गंभीर है। और लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है बोक्सा जनजाति, जो कि एक सरकार ने इसको प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप का दर्जा दिया हुआ है, तो कोशिश करें कि उनके विकास के लिए वो, उनके लिए जो योजनाएं आती हैं उसका खर्चा उस पर जाए और उनका राजनीतिक नेतृत्व भी खड़ा हो। अगर आदिवासियों का अपना राजनीतिक नेतृत्व खड़ा नहीं होगा तो इस प्रदेश के अंदर उनके लिए कोई पॉलिसी बनेगी नहीं, और उनके नाम पे जो संगठन बनेंगे उस पे वही लोग घुसेंगे जो उनका सबसे बड़ा विरोध करते हैं। तो हमारी एक और पॉलिसी बन रही है, शासन को मैंने दे रखा है, एक नियमावली बन रही है, जो पॉलिसी उत्तराखंड बोक्सा कल्याण परिषद की है वो तो है ही, लेकिन हमारी, हमने एक और नियमावली, विकास से संबंधित नियमावली हमने वो किया है, तो वो हमारी बन रही है प्रशासन, क्योंकि उसमें भी 2 साल लगा दिए उन्होंने, जबकि मैंने सारा लिख के दे रखा है भाई यहाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा, तो 2 साल लगा दिए उसमें भी बनाने में। प्रशासन तो हमारा सहयोग करता नहीं, वो तो मेरा जबरदस्ती, कुछ काम जो मैं निकाल लेता हूँ वो मेरा जबरदस्ती है, या मेरी सीधापन कहिए, या मतलब कुछ थोड़ा सा जानकारी कहिए, जिससे मैं थोड़ा सा काम अपना वहाँ से निकाल लेता हूँ, नहीं तो प्रशासन कोई काम करने को तैयार नहीं है कोई भी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर जो है, अगर आपको आदिवासी जनजातियों के प्रश्नों को हमको खड़ा करना है तो उसके लिए जो है आदिवासी राजनीतिक नेतृत्व को विकसित करने की जरूरत पड़ेगी, और आदिवासी समाज से जो है प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को भी सामने आना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ ये लक्ष्य भी होना चाहिए कि हम नए आदिवासी नेतृत्व को खड़ा करें, जो युवा हो, जो प्रगतिशील हो, और जो दूसरे आदिवासी समाजों के साथ भी, और दलित जो यहाँ के समाज हैं उनके साथ भी बात करके एक वैकल्पिक योजनाएं भी बनाए सरकार के जरिए, नहीं वैकल्पिक भी, ताकि सरकार देखे कि हमको ऐसी नीतियां बनानी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, धन्यवाद, और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।